रिप्रोडक्शन इन ऑर्किड्स में हमने कुछ टॉपिक पर जिक्र किया था, जिसमें हमने इसके इंट्रोडक्शंस पढ़े थे, क्या होते हैं, कितने लाइफ स्पेन होते हैं, और असेक्सुअल रिप्रोडक्शंस टाइप ऑफ मोड्स था, जिसमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन था, जिसमें हम पहला टॉपिक लिए थे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस में पहली टॉपिक हम जो लेंगे वो होगा फिजन। फिजन टू टाइप्स का होता है, एक होता है बाइनरी फिजन और दूसरा होता है मल्टीपल फिजन। मल्टीपल फिजन और बाइनरी फिजन दो टाइप के फिजन होते हैं। फिजन का मतलब होता है किसी चीज़ को दो पार्ट्स में तोड़ देना। ऐसे कंडीशन जिसमें सिर्फ सेल्स की उसके आकार पर फर्क पड़ता है, यानी इसके दो टोटल सेल्स बन जाएंगे। बाइनरी फ्यूजन जो होता है थ्री टाइप्स के होते हैं। पहला जो होता है इरेगुलर बाइनरी फ्यूजन, दूसरा होता है लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फ्यूजन, तीसरा होता है ट्रांसवर्स बाइनरी फ्यूजन। इसमें हम पहला फर्स्ट जो लेंगे इरेगुलर बाइनरी फ्यूजन बताएंगे। हम इरेगुलर बाइनरी फ्यूजन इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसमें कोई जो उसका सेल साइज, उसका स्ट्रक्चर फिक्स नहीं होता है। जिसमें पहला एग्जांपल हम लेंगे जो होता है इरेगुलर बाइनरी फ्यूजन में, वो होता है अमीबा, जिसका शेप कोई भी फिक्स नहीं होता है। जो मैं बना रहा हूँ वो कोई फिक्स नहीं है, अलग अलग जगहों पर अलग आपको देखने को मिलेगा। ये जो इसकी जो बाहरी जो जैसे सेल्स को हमको दिख रही है, इसे कहते हैं स्यूडोपोडिया। स्यूडो मतलब होता है फाल्स, पोडिया मतलब फीट, यानी फाल्स फीट। इसकी कोई भी स्ट्रक्चर सेम नहीं होती है, तो इसका कोई सेम ये स्ट्रक्चर नहीं, इसलिए हम इरेगुलर कहते हैं। और ये टूट कर इसकी जो न्यूक्लियाई होती है, ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, इसके न्यूक्लियस स्ट्रेस करके दो भागों में टूट जाते हैं, यानी और ये दो भाग में बन जाता है। ऐसे चीज़ों को इरेगुलर बाइनरी फ्यूजन कहते हैं, जो अमीबा में होता है। इसी तरह इसमें होता है लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फ्यूजन। लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फ्यूजन उसे कहते हैं, और उसमें होता है जैसे एग्जांपल में हम लेंगे यूग्लिना। यूग्लिना यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, एक लीफ लाइफ एक स्ट्रक्चर्स होता है ऐसा। इसके पास एक फ्लेजेला होता है, जिस तरीके से इसके पास स्यूडोपोडिया मूव करने के लिए, फूड को कैप्चर करने के लिए, रिप्रोडक्शंस के लिए स्यूडोपोडिया होता है इसका स्ट्रक्चर, या इससे किसी चीज़ को पकड़ना होता है, ठीक उसी प्रकार यूग्लिना के पास फ्लेजेला होता है, इसे फ्लेजेला बोलते हैं। ये यूग्लिना है, ये लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन करता है, इट मीन्स कि ऐसे डिवाइड करता है, ऐसे डिवाइड करेगा और दो यूग्लिना में बन जाता है, यानी कैसे बनेगा ऐसे। दो बन जाता है। इसी तरह जो तीसरा है हम लोग का ट्रांसवर्स ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन, इसमें हम एग्जांपल लेंगे पैरामीसियम।
पैरामेसियम एक स्लीपर लाइक स्ट्रक्चर होता है कुछ ऐसा, ऐसा स्ट्रक्चर होता है। इसके पास फ्लेजला होता है किसी चीज़ को मूव करने के लिए, इसके पास यूरोपोडिया होता है, ठीक उसी प्रकार इसके पास सीलिया होता है, एक हेयर लाइक स्ट्रक्चर विच इज सराउंडेड ऑल ओवर द बॉडी कॉल सीलिया विच हेल्प इन कैप्चरिंग द फूड एंड मूवमेंट फ्रॉम फॉर मूवमेंट, इसे सीलिया कहते हैं। ये ट्रांसवर्स करता है, इट मीन्स कि इसकी न्यूक्लियाई पर स्ट्रेस करके ऐसे डिवीजन करेगा, ऐसे डिवीजन करेगा, तो ये कैसा होगा? दो ऐसे पैरामेसियम। तो हमने इसमें टॉपिक में कवर किया फ्यूजन, जो दो मेनली दो टाइप के होते हैं, बाइनरी फ्यूजन, मल्टीपल फ्यूजन, इसमें थ्री टाइप्स होते हैं, उनके एग्जांपल के साथ मैंने बताया। आगे हम मल्टीपल फ्यूजन और आगे नेक्स्ट टॉपिक पर जिक्र करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी समझ सकें इसको। थैंक्स फॉर वॉचिंग।